Hello everyone, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel. If anyone watching this video outside from India, I would recommend please turn on your subtitle. तो आज हम एक इमेज कंप्रेसर बनाने वाले हैं पाइथन की हेल्प से. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे. तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना नोट एडिटर खोल लेते हैं और जिस लाइब्रेरी का आज हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है पिलो. इसको इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है. सबसे पहले आपको टाइप करना है pip3 install pillow और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे आपकी लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल हो जाएगी. जैसे यहाँ पे मैंने अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रखा है तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को कॉल करेंगे इम्पोर्ट PIL, ठीक है. और पिलो में से हमें एक स्पेशल पैकेज चाहिए फ्रॉम PIL इम्पोर्ट इमेज और हमें एक और मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम है tkinter और इसका सिर्फ और सिर्फ हमें फाइल डायलॉग चाहिए. मैंने अपनी सारी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लिया. सबसे पहले हमें उस फाइल के पाथ को एक्सट्रैक्ट करना है. उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ask open file name, देन हम पिलो को कॉल कर लेंगे इस इमेज को ओपन करने के लिए और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा फाइल पाथ जो अभी अभी हमने डिक्लेयर करा है. अब हमें इमेज का हाइट और विड्थ चाहिए. उसके लिए मैं हाइट और विड्थ नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इमेज जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर करा हुआ है उसमें हम डॉट साइज को कॉल कर लेंगे जिससे हमें इमेज का हाइट और विड्थ मिल जाएगा. अब हमें अपने इमेज को कंप्रेस करना है तो उसके लिए मैं इमेज डॉट रिसाइज को कॉल करूंगा और ये दो अलग अलग पैरामीटर लेगा. पहला हाइट एंड विड्थ, सेकंड जो हमारा एंटीलियाज है यानी कि जो हमारी इमेज को कंप्रेस करेगा एंड सेकंड पैरामीटर PIL डॉट इमेज डॉट एंटीलियाज, राइट. तो ये हमारा एक्चुअल मेन कमांड है जो हमारी इमेज को कंप्रेस करेगा. नाउ अब हम अपनी फाइल को सेव करेंगे. उसके लिए मैं आस्क सेव एज फाइल नेम को कॉल करूंगा एंड इसको मैं स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल में सेव पाथ के नाम से. अब हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे इमेज डॉट सेव की हेल्प से और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सेव पाथ एंड हमारी फाइल का एक्सटेंशन दैट इज डॉट JPG. ग्रेट. नाउ लेट्स रन दिस और चेक करते हैं हमारी इमेज जो है वो कंप्रेस हो रही है नहीं हो रही. उससे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मेरी एक्चुअल इमेज का साइज क्या है. 2.2 फॉर नाउ. लेट्स रन दिस एंड देखते हैं कंप्रेस होने के बाद हमारी इमेज का साइज कितना होता है. ओके, सो यहाँ पे मैं कंप्रेस डाल रहा हूँ. फाइल सेव हो चुकी है. लेट्स सी. ओके, तो अब हमारी फाइल का साइज जो है 1.7 MB हो चुका है. अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारी इमेज है, राइट. तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ.